मगर ये तो ठग लोग है ना, ये ठग लोग हैं। अब मोदी जी का एक सबसे बड़ा एक एजेंडा है, क्या कहता, मैं तो दलित हूं, अपने आप को नीच भी बता रहा है, अपने आप को दलित भी कह रहा है, अपने आप को बैकवर्ड भी कह रहा है। ये सब हमें ठगने की कहानी है, ये सब जानते हैं तेली जाति के हैं और बिहार के तेली जाति से संबंध रखते हैं। इन्होंने अपने शासन काल में बगैर किसी मांग के अपनी जाति को बैकवर्ड्स में शामिल करा लिया, वो बैकवर्ड हो गए। अरे बैकवर्ड जाति हो गई ना तुम्हारी, जो सूचीबद्ध हो गई ना तुम्हारी बैकवर्ड्स की लिस्ट में, मगर तुम्हारे घर में संपत्तियां तो वैसी है ना जिससे पहले थी, बड़े बड़े अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े महल जैसे मकान है, तुम्हारी अकूत संपत्ति है। और जितने भी इनके मोदी जी की जाति के है ना साहब जी, हजार को तो छोड़ो, लाख को तो छोड़ो, वो जितने भी ले लेके भाग रहे हैं ना सब इसी के रिश्तेदार हैं, सब इसी के जाति के हैं। और कितना ले लेके भाग रहे हैं, वो कोई 2-4 करोड़ लेकर नहीं भाग रहे हैं, हजारों करोड़ लेकर भाग रहे हैं। और हमारे जो बेचारा कोई काली दाढ़ी वाला है, कोई कैसा है, जो दलित नेता है, अछूत नेता है, वो समझ नहीं रही है हो क्या रहा है। वो ये समझ गए हैं इस देश के शासक लोग कि अब यहाँ इस देश का पिछड़ा जाग रहा है, इस देश का अछूत वर्ग दलित वर्ग जाग चुका है, और अब हमें इस देश से भागना पड़ेगा। भागने से पहले वो इस देश की संपत्ति, उन भगोड़ों के बहाने से सब संपत्ति बाहर जा रही है, ताकि हम बाहर बाद में बाहर जाकर अपनी जान बचा के यहाँ से बाहर भागेंगे तो हमें अपना सर ढकने के लिए ये हमारी संपत्ति हमारे काम आएगी। वो संपत्ति हमारी है, लेकर भागने वाले इनके रिश्तेदार हैं। ये अनर्थ है, ये बेईमानी है, ये इस देश का मीडिया इधर बोलता नहीं है। इस जो मीडिया का नाम पड़ा है ना मोदी मीडिया, बिल्कुल सही पड़ा है, मोदी का ही वो सारा मीडिया है, बनाया हुआ भी उसी का है, इस्तेमाल भी उसका वो ही कर रहा है। और इस मीडिया से भाई कभी तवक्को मत करना कि ये हमारे पक्ष में कोई बात करेगा, ये तो हमारे विरोध में तिल का ताड़ बनाते हैं, दुश्मनों के पक्ष में तिल का ताड़ बनाते हैं हमारे विरोध में, और जो दलितों के दुश्मन है उनको महिमा मंडित करने का काम करते हैं। ये काम अब थमना चाहिए, इसके ज्यादा अब ये देश बर्दाश्त कर नहीं पाएगा। अब 2019 आ रहा है, 2019 में एक इलेक्शन आ रहा है, यद्यपि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं उनका फरमान आ गया है कि ईवीएम से ही इलेक्शन होंगे। इस देश में किसी भी पार्टी को बूथ लेवल पर काम करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही, एक ही पार्टी मोदी की पार्टी जो बूथ लेवल के सम्मेलन कर रही है, बूथ लेवल की तैयारी कर रही है। कारण क्या है कि लूट के काम में बड़े तेज हैं, लूट के काम में बड़े तेज हैं, इस काम में बड़े सतर्क हैं। जहां जो लोग नहीं पहुंचेंगे वहां उनके वोट कैसे सेट किए जाते हैं वो सब ट्रेनिंग वो दी जाती है। तो इस तरीके से इस देश में सारा छल और कपट चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। इनकी सबसे बड़ी ताकत झूठ, इनकी उससे बड़ी ताकत षड्यंत्र। ये जो भी बात करते हैं काम करते हैं बड़ा दूरगामी इनकी दृष्टि होती है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।